स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी आपको बताऊं, जहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। जिंद, इसके अलावा कलायत सीट पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो उम्मीदवारों को उतार सकती है, तो वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, तो वहीं पहोवा पानीपत ग्रामीण सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो है वो उतारे जा सकते हैं। बहुत जल्द हो सकता है औपचारिक ऐलान, ये आपको मैं बता दूं इस गठबंधन का। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं, जहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जल्द गठबंधन का ऐलान जो है वो संभव है। और आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात को कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। दोनों पार्टियां कल 9 सितंबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। पार्टी सूत्र के मुताबिक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीटें ऑफर की थी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट के अंतर्गत 11 विधानसभा आती है। गुप्ता ये चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इस सीट के अंतर्गत आने वाली 4 सीट पर जो है जीत दर्ज की और ये चारों सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है, जो गठबंधन है उसके मुताबिक। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट सामने आ रहा है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी बातचीत को जो है लीड कर रही है। कनिका कटियार हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ जुड़े। कनिका, क्या कुछ आपके सूत्र कह रहे हैं, कब तक ऐलान संभव है और कितनी सीटें जो हैं वो मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को? मांगी कितनी गई थी, मिल कितनी रही है, ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर बात करें तो गठबंधन को लेकर जो है वो बातचीत तय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की ओर से जो 10 सीटें मांगी गई थी पहले, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने केवल 4 से 5 सीटें देने का फैसला किया था। लेकिन जब रात को राघव चड्ढा और दीपक बावरिया के बीच बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं फैसला किया गया है। हालांकि हमारे जो सूत्र है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 6 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आम सहमति बन गई है, जिसमें से फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके अलावा पानीपत की रूरल सीट, जिंद और 2 सीटें और हैं जिसको लेकर जो है सहमति बन गई है। बीच में जो लड़ाई थी वो इस बात की थी कि जो आम आदमी पार्टी जो है जो रूरल सीट है उसकी डिमांड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो अर्बन सीट है वो आम आदमी पार्टी को दी जा रही थी। लेकिन इसी के बीच में जो है कल रात को राघव चड्ढा और दीपक बावरिया के बीच बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जो है वो निकाला गया। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से 6 सीटें का जो ऑफर है उस पर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है। तो हमारे सूत्रों का कहना है कि कल जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है इन 6 सीटों पर सहमति जाहिर कर चुकी है, लगभग जो है गठबंधन तय है और किसी वक्त भी है जो कहा जा रहा है कि गठबंधन का औपचारिक ऐलान जो है वो संभव हो सकता है। कनिका, सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस में पहली बार ये बात उठी कि ये गठबंधन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है नहीं, तो जब स्थानीय इकाई यानी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से इसको लेकर बातचीत की गई, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम सक्षम हैं खुद से ही चुनाव जीतने में, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस जो इतनी कॉन्फिडेंट है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर, वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर इतनी उत्सुक नजर आई कि कोई बीच का रास्ता और सीटों पर एक आम सहमति बनाती हुई इतनी जल्दी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जब हम बात करते हैं गठबंधन को लेकर तो राहुल गांधी की ओर से केंद्र चुनाव समिति की जब सबसे पहली बैठक हुई थी उसमें इस बात को रखा गया था। राहुल गांधी ने बल्कि बैठक में तमाम नेताओं से पूछा था कि गठबंधन हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें गठबंधन करना चाहिए। जिसके बाद जो हरियाणा प्रदेश के नेता है, चाहे वो हुड्डा कैंप के नेता हो, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा या उदयमान, तमाम जो नेता है, इन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सक्षम है और हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के इस बात के बाद जो है कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं के और राष्ट्रीय नेताओं के बीच बातचीत हुई और ये फैसला किया गया कि अगर राहुल गांधी और पार्टी का जो आला कमान है वो चाहता है गठबंधन हो तो गठबंधन पे एक जो है राय दे सकते हैं, सोच सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मैं बताती हूँ आपको, हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो जो कांग्रेस का वोट बैंक है वहां पर
डेंट जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी। और कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है इसीलिए अपनाई गई है कि एक तो इंडिया अलायंस जो लोकसभा बनाया गया था और राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष नहीं हूँ, एक वो संकेत कि कांग्रेस पार्टी दिल बड़ा करके तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है उनको साथ लेके चलने की आगे कोशिश कर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे ज्यादा नंबर है। वही हरियाणा में इन सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान ना दे इसीलिए गठबंधन जो है वो किया गया है। आपको याद होगा गुजरात का विधानसभा चुनाव जब हुआ था और बल्कि लोकसभा चुनाव या इससे पहले दिल्ली का जब चुनाव हुआ था 2014 में, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हुआ था। यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जब राजनीति शुरुआत की थी पार्टी की तो उसने कांग्रेस के वोट बैंक को डेंट दिया और जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा है वहां कांग्रेस के वोट बैंक पे कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि यही एक रणनीति जो है वो अब यानी कांग्रेस इसको इस तरीके से भी करने का हम कह सकते हैं कि रत्ती भर का भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, किसी भी तरीके से बीजेपी को कोई फायदा ना पहुंचे ये सुनिश्चित करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन जो है वो किया गया। इसको इस तरीके से भी देखे तो कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल साफ तौर पर राहुल गांधी ने हर बार इस बैठक में जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है या मंच पे खड़े हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका उद्देश्य केवल एक ही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, चाहे उसके लिए गठबंधन करना पड़े या गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। राहुल गांधी जो है पीछे नहीं हटते, चाहे हम लोकसभा की बात करें विधानसभा चुनाव की बात करें, राहुल गांधी ने हमेशा इस बात को पार्टी के नेताओं के बीच में भी कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और हराना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। और मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम साथ में हैं और साथ में बीजेपी को हराएंगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में गठबंधन किया है ताकि बीजेपी को कोई मौका ना मिले वो सत्ता में कम बैक करने और कांग्रेस पार्टी के हाथ से मौका निकल जाए। कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है, वो नहीं चाहती कि कोई भी मिस्टेक हो कोई भी चूक हो जिससे बीजेपी को फायदा हो या कांग्रेस को नुकसान हो। अच्छा, एक और सवाल है कनिका जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिन पांच सीटों की बात हो रही है, जिंद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, ओहावा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, क्या ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस को डाउट है कि उनके प्रत्याशी जो हैं वो यहां निकाल पाएंगे या नहीं, इसीलिए आम आदमी पार्टी को ऑफर की जा रही है या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सीटें जो है वो मांगी गई हैं? देखिए, इसमें से कुछ सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से जो है मांगी गई थी, जिसमें खास तौर पे जो रूरल की सीट देखेंगे आप, जिसमें जिंद सीट हो गई है, पानीपत की सीट हो गई है, कलायत जो सीट है उसकी मांग जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। फरीदाबाद की सीट की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी ने ऑफर की है, क्योंकि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में लोकसभा में भी देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी हार गई थी, हालांकि मार्जिन बहुत कम था, बीजेपी मजबूत थी क्योंकि वो अर्बन सीट है और अर्बन सीट पर बीजेपी हमेशा से दाव अच्छा खेलती आई है क्योंकि वहां पर मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। इसीलिए फरीदाबाद की सीट भी जो है वो आम आदमी पार्टी को दी गई है ताकि मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का रहेगा। इसके अलावा गुरुग्राम की सीट जो है वो भी अर्बन सीट में आती है और वहां पर भी बीजेपी अपने आप में स्ट्रॉन्ग पिच रखती है, इसीलिए सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए ये जो समीकरण है, चाहे उसमें वोटर्स का समीकरण हो या कौन कहाँ पे मजबूत है और किसका मुकाबला कहाँ हो सकता है, इस पूरे फैक्टर को समझते हुए जो है ये सीटों का बंटवारा जो है वो किया गया है। हालांकि इन छह सीटों में जो तीन से चार सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी ने मांगी थी और उस पे कांग्रेस पार्टी ने सहमति जाहिर करके उनको दे दी है, दो सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर। कनिका, एक सवाल और खड़ा होता है, जब हम आम आदमी पार्टी हरियाणा की बात करते हैं तो सुशील गुप्ता संभवतः सबसे बड़े नेता हरियाणा से जो है आम आदमी पार्टी के नजर आते हैं, जो राज्यसभा सांसद भी थे, लेकिन अब किस तरीके से जो ये पूरी स्थिति है, अभी जो पूरी बार्गेनिंग हुई है टिकट को लेकर, इसमें राघव चड्ढा जो है वो प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आए, आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई, आपके सूत्र क्या बताते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से और भी क्या कोई इस पूरे नेगोशिएशन में शामिल था, सुशील गुप्ता को किस तरीके से इन तमाम सीटों के लिए राजी किया गया, उनसे क्या कोई बात की गई, क्योंकि संभवतः लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा और इससे पहले भी जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भी हम चेहरे के तौर पर वहां सुशील गुप्ता को ही देख रहे थे। देखिए, आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन को बनाने की बात चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा संजय सिंह और राघव चड्ढा बैठकों में नजर आते थे, कहीं ना कहीं
ये एक बड़ी रणनीति होती है क्योंकि पार्टी में हर नेता की अपनी अपनी इक्वेशन होती है। और मुझे लगता है कि राघव चड्ढा क्योंकि शुरुआत से कांग्रेस पार्टी से डील करते आए हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन की बात हो या विधानसभा की बात हो, और उसके अलावा भी जब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई है तो राघव चड्ढा वहां पे मौजूद रहे और संजय सिंह भी वहां पे मौजूद रहे हैं। इसीलिए गठबंधन को एक अंतिम रूप देने के लिए, ताकि गठबंधन हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और दोनों ही राय जो है मिलती रहे, इसके लिए राघव चड्ढा को जो है बातचीत के लिए आगे किया गया है। हालांकि पार्टी का इंटरनल मैटर होता है कि किसको आगे करना है, कौन बात करेगा, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपस से बात करके बिल्कुल किया होगा। लेकिन आपने देखा होगा जिसमें आपने सुशील गुप्ता का नाम लिया, बिल्कुल अपने आप में बड़े चेहरे हैं, हरियाणा में बड़े नेता के तौर पे आते हैं। और बल्कि आपको याद होगा कि इससे पहले हरियाणा की जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं ये राघव चड्ढा बात कर रहे हैं, सुशील गुप्ता बात नहीं कर रहे, ये बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये था कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से, अब बता दूं मैं आपको कि केसी वेणुगोपाल जो है वो संगठन महासचिव है, पहले वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दीपक बवरिया जो कि प्रभारी हैं, इंचार्ज है हरियाणा को, उनको आगे रखा गया और कहा कि आप जाइए बात कीजिए और आपस में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। तो वही राघव चड्ढा को आगे किया गया। तो बात ये थी कि बात बन जाए और बात बन गई है, इसीलिए इस तरह ऐलान कब होगा? आखिरी सवाल जाते जाते इतना बता दीजिए, कल क्या माना जाए, ऐलान हो जाएगा या फिर अभी समय लगेगा? देखिए हमारे जो सूत्र है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐलान किया जाएगा और संभवतः कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकती है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता शामिल रहेंगे और फिर औपचारिक ऐलान। बहुत शुक्रिया आपका कहने का, तमाम अपडेट्स जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।